सब्सक्राइब करें आरके सर्विस सेंटर चैनल को और दबाइए बेल आइकन का बटन अपकमिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड, वेलकम है यूट्यूब चैनल आरके सर्विस सेंटर में आपका स्वागत है। फ्रेंड, और जैसे कि देख पा रहा हूँ आपके, ये होंडा शाइन बाइक है। और फ्रेंड, इसमें जो प्रॉब्लम हो रही थी, इसमें देख रहे हो कि इसके स्टोकर मैंने खोल दिए हैं। एक ऊपर का बोल्ट है और ये एक नीचे का बोल्ट है, ठीक है। ऊपर 17 नंबर का बोल्ट होता है, नीचे 14 नंबर का बोल्ट होता है। इसके स्टोकर रिपेयर हुए हैं फ्रेंड। इसमें जो प्रॉब्लम थी, यानी शॉकर इसके ये रहे और होंडा शाइन बाइक ये रही, ठीक है। इसमें शॉकर में जो प्रॉब्लम थी फ्रेंड, शॉकर में प्रॉब्लम ये थी कि जब कभी भी हम ब्रेकर पे या फिर किसी भी खराब रास्ते पे चलते थे तो इसमें से बहुत ज्यादा साउंड आती थी, कड़क कड़क टाइप की। और प्लस गाड़ी डबल बैठने पर डिसबैलेंस भी बहुत होती थी, यानी गाड़ी लहराती थी, ठीक है। तो इसमें जो फ्रेंड प्रॉब्लम थी, ये इसके जो शॉकर हैं, शॉकर हो गए थे खराब, यानी सॉफ्ट हो गए थे ज्यादा। कंप्रेशर इसमें जो था, शॉकर का जो प्रेशर होता है, प्रेशर हो गया था गायब बिल्कुल। जैसे भी जंप पे या फिर किसी भी रास्ते हम खराब रास्ते जाते थे तो आवाज़ आती थी इसमें बहुत ज्यादा, क्योंकि इसकी यहाँ पर जो पंप लगे होते हैं, ये जो ऊपर पंप होता लगा हुआ, वो खराब हो गया था, प्रेशर नहीं बन गया था इसमें। तो फ्रेंड अभी जो हुआ है, अभी ये रिपेयर हुए हैं, सिर्फ रिपेयर ओनली। मैंने उनसे कहा था एक आध बार रिपेयर करके देखते हैं इनको, अगर प्रॉब्लम सॉल्व होती है ठीक है, नहीं तो फिर बात को नहीं डाल देंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। उन्होंने भी कहा ठीक है ओके। तो अभी ये इसमें रिपेयरिंग हुए हैं ये शॉकर, और इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अभी हम इसको फिट करते हैं और फिर चेक करते हैं फ्रेंड। वैसे 100% ये रिपेयर होने के बाद प्रॉब्लम नहीं है, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो जंप, जो ओरिजिनल जंपिंग होती है, वही जंपिंग हो रही है डबल बैठने के बाद। अब ना ही डिसबैलेंस होंगे, क्योंकि पहले शॉकर मैंने दबा के देखे थे और उन्होंने भी दबा के देखे थे जो शॉकर रिपेयर करते हैं, कि वो जब दबा के चेक किया था उन्होंने तो काफी सॉफ्ट दब रहे थे, बिल्कुल अच्छी तरीके से फुल एकदम डाउन हो रहे थे। और ऐसी कंडीशन में गाड़ी डिसबैलेंस होती है बहुत ज्यादा। तो फ्रेंड अभी ये ऐसे ही नहीं हो रही है, यानी अब डिसबैलेंस नहीं हो रही है और ना ही इनमें अब साउंड आएगी, क्योंकि अब स्मूथ हो गए बिल्कुल ये, यानी अब जो करेक्टिव होते हैं, यानी अब जो शॉकर हो गए अब वो सही हो गए, अब कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जो प्रॉब्लम, जो कंप्रेशर की प्रॉब्लम थी शॉकर की, अब ये जंप अच्छा जंप कर रहे हैं और एकदम सॉफ्ट भी नहीं हो रहे हैं, ठीक है। और अब हम इसको फिट करते हैं, फिट करके फिर गाड़ी टेस्ट ड्राइव होगी। वैसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, फिलहाल इसमें जो हुए हैं बस शॉकर रिपेयर ही हुए हैं फ्रेंड। और आज की वीडियो बनाने का जो मकसद है ये कि जो गाड़ी डिसबैलेंस होती है, जो डिसबैलेंस होती है डबल बैठने पे प्लस, और जो गाड़ी जंप पे आवाज करती है, साउंड करती है, यानी खराब रास्ते पे भी साउंड करती है, जो झटकों में जाती हैं गाड़ी, तो तब जाके जो आवाज करती है, तो वो जो प्रॉब्लम होती है वो इन शॉकर की प्रॉब्लम होती है फ्रेंड। ये होंडा शाइन बाइक है और होंडा शाइन बाइक के शॉकर है ये। BS4 जो मॉडल आया था उससे पहला वाला मॉडल है, ठीक है ना। मॉडल देख रहा हूँ आप, ये HET वाला होंडा इको टेक्नोलॉजी वाला मॉडल है, 125 ऑप्टिमाइज, ठीक है फ्रेंड। तो ये उसके शॉकर हैं और इसमें प्रॉब्लम ये थी, वो मैंने आपको बता दिया है। अब इसमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इसलिए ये शॉकर रिपेयर हुए थे, यानी वही साउंड की प्रॉब्लम और डिसबैलेंस की प्रॉब्लम। तो फ्रेंड इनके शॉकर की वजह से ऐसी प्रॉब्लम आती है कि गाड़ी डिसबैलेंस होती है और रेड साइड से साउंड आती है इसमें, झटकों में या खराब रास्ते पे, जंप पे, या फिर डबल बैठते हैं तब हल्के झटके पे भी आती है, तो वो शॉकर की प्रॉब्लम होती है, ठीक है फ्रेंड। उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आएगी।